मैं पहली बार सुशील जी के साथ काम करने जा रही हूँ. मैंने हमेशा दिनेश जी के मुंह से, प्रकाश जी के मुंह से, सुशील भैया के मुंह से सिर्फ और सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे उनके डायरेक्शन में काम करने को मिलने वाला है इस फिल्म में. और हम तीनों की, मेरी, काजल जी की, दिनेश जी की, पहले भी जो दो फिल्में आई हैं वो बहुत बड़ी हिट रही है. और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि ये फिल्म उन दोनों का भी रिकॉर्ड करे. आइए. थैंक यू भैया. देखिए, आपको बुलाना था और ये पोस्टर दिखाना था और आपको बताना ये पोस्टर कैसा है. मजा आ गया. पहले देखिए महाराज. देखा नहीं यार. अब बोलिए कैसा है. बहुत बढ़िया. हम तो दो चार दिन पहले से देखा था नहीं. और ज्यादा का बोलेंगे बाप. रत्नाकर जी और सुशील भैया, प्रकाश जी, आप लोग फिल्म बनाओ तनिजा. जो फिल्म के नाम है लल्लू की लैला. अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. लल्लू की लैला फिल्म बहुत बढ़िया बने और मार्केट में धूम मचा देते. एगो भाई के भाई खातिर यही दुआ है. जय. रमेश व्यास जी, रमेश व्यास जी स्टेज पे हैं. आशीर्वाद सर, दो शब्द प्लीज. जिंदी भाई जी आए होंगे. जिंदी जितेंद्र गुलाटी जी भी हैं. ये एक फिल्म है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं. बहुत जल्दी इसकी शूटिंग पर जाएंगे. और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है. पहली बार में ही स्टोरी पढ़ते ही मुझे, दिनेश जी को, दोनों को बहुत अच्छी लगी. और ये स्टारकास्ट के साथ हमने पहले जो भी फिल्म की है, मैं, दिनेश जी, काजल जी, वो बहुत बड़ी हिट हुई है. और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म भी उन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़े और उनसे भी बड़ी हिट हो. पवन जी के साथ मैं क्या बोलूँ. पवन जी के बारे में कुछ पूछना है अगर तो सही आदमी पूछने के लिए ये है. इनसे आपको सवाल पूछना चाहिए. मुझे ये दोनों के बीच में खड़े रह के लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. मैं कहीं साइड में हो जाऊँ क्या. ये दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं है. हाँ, और पवन जी कह भी रहे थे, अभी आए तो बोले कि जैसे मैं उनको गले मिला और जब मैं उनको पकड़ा तो जब भी मैं इनको मिलता हूँ तो ऐसे ही पकड़ता हूँ. क्योंकि हम दोनों लोग अभी फिल्मों में नहीं आए थे, तब से हमारी दोस्ती है. हम लोग जब एल्बम गाते थे और टी सीरीज में हम लोग जाते थे, वहाँ से दोस्ती है. तो तब से ये प्यार वैसे ही बरकरार है. वैसे ही आप लोग दुआ करिए जीवन भर बना रहे. तो जब मैं इनको पकड़ा तो बोले कि लग रहा है कि लल्लू की लैला मैं ही हूँ. तो बहुत स्नेह, बहुत प्यार है इनके साथ में. और कोई भी सुख दुख हो, कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और मज़ा आता है दोनों को साथ में. अगर फ्री हैं हम लोग तो साथ में समय बिताते हैं. अगर कहीं घूमना है तो साथ में घूमते हैं. और फिल्म अगर मिल जाए साथ में करने को तो हमारा और भी लाइफ सेट हो जाता है. मतलब दोनों भाई खूब धमाल करते हैं, मज़ा करते हैं. तो आज पवन जी यहाँ आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. और यही मैं सोचता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी. लल्लू की लैला की बहुत सारी फिल्में हम करते रहते हैं पर टाइटल जो है वो थोड़ा मुझे लग रहा था कि अब बदलना चाहिए, थोड़ा अलग करना चाहिए. तो मैंने ये बताया सुशील जी को और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है. तो ये टाइटल पे हम लोग शुरू हो गए. अब हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी फिल्म बनेगी. दोस्ती के बारे में भाई हमारे बंदे के पहले आप लोगों से के बहुत कहे के काबा. बस हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और
मेरा भाई जुबली स्टार है और यहाँ के अमरपाली दुबे जी यूट्यूब पे यहाँ के सबसे ज़्यादा यहाँ के चेहरा, यहाँ के काम, यहाँ के डांस देखल जाता है। और एक भाई के नाते, एक कलाकार के नाते हम यह कहब कि हमारे भाई जब जौन जुबली स्टार बने दिनेश लाल यादव जी, अपने मुंह से, अपने दिल से जब इन बहुत अच्छी स्क्रिप्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये दोनों फिर से आएंगे साथ। बहुत जल्दी हम लोग आने वाले हैं, दोनों भाई फिर से एक साथ आएंगे और कुछ अलग करेंगे। और फिर वही 25 हफ्ते उतरेगी नहीं उतारने से, जो है उससे प्रभावित होती है। 100 फिल्में अच्छी बनना बनती हैं, लोग बनाते हैं, एक फिल्म अगर खराब हो जाती है तो भी 100 फिल्में उसका खामियाजा भुगतने लगती हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ कोई भी काम होता है, पवन जी की कोई फिल्म बहुत हिट होती है, पवन जी का कोई गाना बहुत हिट होता है, तो उसका जो लाभ है वो सबको मिलता है, हमको भी मिलता है, पूरी इंडस्ट्री को मिलता है। अगर मेरी कोई फिल्म अच्छी चलती है तो उसका लाभ सबको मिलता है, बहुत सारी फिल्में बनने लगती है। तो निश्चित रूप से ये हमारा परिवार है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि जो भी फिल्में बने, चाहे पवन जी की बने, मेरी बने या खेसारी जी की बने, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो फिल्में सफल हो, लोगों को अच्छा लगे और हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और आगे बढ़े और जो भोजपुरी इंडस्ट्री को मुकाम मिलना चाहिए वो मिले, ये हम कामना करते हैं। लल्लू पुकारना शुरू करते लोग, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपके काम से पहचाना जाने लगे, आप कोई काम करें और वही आपको नाम मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा अवार्ड, ये सबसे बड़ा अवार्ड है कि आपने उस किरदार को ऐसा निभाया कि लोग उसी नाम से आपको जानने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि लोग मुझे लल्लू कहने लगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि पवन और दिनेश एक साथ जब एक सेट पे मिलते हैं या किसी शो में मिलते हैं या किसी भी मंच पे मिलते हैं पागल हो जाते हैं, तो हम लोग लल्लू जरूर हो जाते हैं, हो जाते बिल्कुल मजा आता है। पवन जी, आपने गाना किया था अमरपाली जी के साथ, रात लिया गा के क्या के, बड़ा हिट हुआ है, 100 करोड़ व्यूज हो गए हैं, 11 करोड़ इवन 11 मिलियन में उसका अकाउंट हो गया उसकी, तो क्या ये जोड़ी आगे फिट हुई है और गाने करने वाली उसके बाद? ऑलरेडी किया है आपने? रुकिए, हमको भी अब थोड़ा सा बात करने दीजिए। भोजपुरी में जिस जोड़ी को 11 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं यूट्यूब पे, इसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि आगे हम लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब हो। मेरा मतलब है कि पूरी फिल्म, मेरे कहने का मतलब गाने तक लिमिटेड नहीं, पूरी फिल्म बिल्कुल हम लोग जरूर फिल्म करेंगे, एक साथ फिल्म बनाएंगे और अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छे फिल्मों में काम करेंगे जी। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पे हम लोग साथ में फिल्म बनाएंगे बहुत जल्दी और आई एम श्योर जितना बड़ा हिट गाना हुआ है, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि उससे बहुत बड़ी हिट फिल्म हो। और पवन जी मेरे लिए बहुत लकी है, वो गाना आई थिंक इतने सारे लोगों ने यूट्यूब पर मुझे पहली बार उस गाने में देखा जब मैं पवन जी के साथ आई, सो मैं बहुत लकी मानती हूँ उनको मेरे लिए। और जब भी मैं उनके साथ फिल्म करूँगी, जब भी ये संजोग बनेगा, तो आई एम श्योर बहुत बड़ी हिट होगी। अमरपाली जी, आप गाना भी गाती हैं, तो आज स्टार के लिए दो लाइन हो जाए। आज पवन जी की आवाज बहुत अच्छी है, आज वो गाना। हेलो हेलो, अरे यार मेरा गला खास है, आज पवन जी गाएंगे। गाइए जी, आप शुरुआत कीजिए। वही जब मैं आई, जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत, पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया, पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया, पर कमर में दर्द दिया रत दिया, बुता के पिया क्या क्या किया, रत दिया बुता के पिया। आज शाम को इस गाने की सक्सेस पार्टी भी है, आप लोग प्लीज वहाँ भी आइएगा, वहाँ भी हम लोग जुटेंगे, बहुत मजा आएगा। और तो इस गाने पे डांस भी करेंगे, इस पे बहुत डांस करने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग भी आइए वहाँ भी। अरे इस पे नहीं, कहाँ पे, इस पे नहीं, उदय जी बताएंगे, राम को बताएंगे, मेरे अलावा इसे नहीं बताएंगे। दो लाइन आप भी सुना दीजिए। मैं हाँ
कुछ लल्लू की लैला का कुछ है क्या? मैं अभी प्रवेश को फोन करने वाला था और बधाई भी देने वाला था। जो होली का गाना आप और प्रवेश मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी उनका और मधुकर जी बहुत अच्छा गाने को सजाए। आप सुने हैं उस गाने को? वैसे इन्होंने ही गाया, गाइए। आपको पता, मुझे याद है। मैं अपने भाई को बधाई दूंगा इस गाने में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एक अपना फेवरेट गाना सुना। अभी होली में एक और गाना आया थोड़ा नीचे रखो, नीचे रखो, और उसका टाइटल जो है वो बड़ा बढ़िया हमारे भैया ने लिखा है, होली में GST जोड़ के। तो वो गाने की लाइन बड़ी अच्छी बनाया उन्होंने। भाई हम लोग चोली लहंगा तो बहुत गा लिए, बहुत कर लिए, थोड़ा समाज को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। अब बदलते हैं थोड़ा, पूरी दुनिया बदल रही है, हमको भी बदलना चाहिए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने गाना लिखा है। गाने की लाइन पहली क्या है अमृतपाली जी? करे के बियाह कैसो पापा हमार रेडी भैले, होलिया में जिद सब छोड़ के। करे के बियाह कैसो पापा हमार रेडी भैले, होलिया में सब जिद छोड़ के। बाकी 10 लाख बाबू तो हर मांगे ले दहेजवा, ऊपर से GST जोड़ के। 10 लाख बाबू तो हर मांगे ले दहेजवा, ऊपर से GST जोड़ के। फगुआ उसमें मैंने जवाब दिया, बूढ़ी बूढ़ी पानी ढेर पिया ताई बूढ़वा, फगुआ में अगुआ भेज के। बूढ़ी बूढ़ी पानी ढेर पिया ताई बूढ़वा, फगुआ में अगुआ भेज के। अजेलावा में तेलावा निकल जाई बूढ़ऊ, मांग जदि करब दहेज के। पर कितना अच्छा गाना है। जितनी मेहनत से माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, जितना प्यार करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ये ताकत भगवान ने सिर्फ बेटियों को ही दी है कि वो किसी की फैमिली आगे बढ़ा सके, किसी का संसार आगे बढ़ा सके। आपके घर में ऐसे ही लक्ष्मी आ रही है, आपको दहेज मांगना ही नहीं चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि ये बहुत एक बहुत ही कुप्रथा है, इसको छोड़ दें, ना दहेज दें ना लें, प्लीज़। ये गाना सुनने के बाद लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा गाना है, पर हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो अगर इस गाने को सुन के एक आदमी भी ऐसा सुधार लाता है तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई।